नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। इस समय मैं के हक्कू हॉकी स्टेडियम जम्मू में हूँ और यहाँ पे आज जो है वो 4 दिवसीय 3 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक जो है वो 53वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता बालिका वर्ष 2024 जो है वो उसका आज यहाँ पे शुरुआत हुई। और गौरतलब है कि ये पूरी प्रतियोगिता जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन जम्मू सुभाग द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में जो है अंडर 14 और अंडर 17 कैटेगरी में जो है अक्रॉस द इंडिया जो है जहाँ पे टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। क्या कुछ आज का इनॉग्रेशन प्रोग्राम रहा, आइए। और मंच पर विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति श्री, इसके साथ साथ खेल प्रभारी श्री मंजीत सिंह जी, श्री राजीव सिंह जी, अर्चना मैम और अमरीक सिंह जी। खेल की उड़ान से आसमान छू गया, खेल का आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मृदुभाषी कर्तव्यनिष्ठ उत्तराखंड में बैठ गए वे बैठे ही रह जाते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के नेशनल गेम्स 53वें नेशनल गेम्स चल रहे हैं, जिसमें लड़कियों का हॉकी और कबड्डी गेम्स जम्मू संभाग को जिम्मेदारी दी गई है कराने की। इस तरह के 13 संभागों में 23 गेमों में लड़के और लड़कियां पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरे देश में। हमें गर्ल्स का मिला है हॉकी और कबड्डी का टूर्नामेंट हम लोग कराएंगे। पूरे देश की लड़कियां यहां पे आई हुई हैं, 790 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स हैं हॉकी और कबड्डी की लड़कियाँ, और उनके साथ उनके टीचर्स आए हुए हैं। तो लगभग 1000 लोग बाहर से आए हुए हैं, लगभग पूरे देश से। इस केंद्रीय विद्यालय संगठन जम्मू संभाग जो ये प्रोग्राम करा रहा है यहाँ पर हक्कू स्टेडियम, आपने हॉकी का देखा, अभी हमारा प्रोग्राम इनॉग्रल प्रोग्राम ख़त्म हुआ था, अब यहाँ पे मैच शुरू हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में इस खेल के जरिए जम्मू को भी पता चले, और जम्मू कश्मीर में जो एक मैसेज है खेल का वो हम देना चाहते हैं। बहरहाल, इस सारी प्रतियोगिता को और उद्घाटन समारोह को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू रिकमेंड सेक्शन में रखिएगा। देखते रहें ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।